नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। आज दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई हैं, शाहरुख काजोल की दिलवाले और रणवीर दीपिका की बाजीराव मस्तानी। माना यह जा रहा था कि ये दोनों ही फिल्में एक दूसरे को कड़ी टक्कर देंगी, लेकिन इनकी टक्कर एक दूसरे से हो उससे पहले ही ये फिल्में भारी विरोध का सामना कर रही हैं। क्यों है ये विरोध, ये देखते हैं। कैसा है ये हंगामा, ये जानते हैं। फिल्म दिलवाले आज सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है, जिसके बाद में देश भर में विरोध की खबरें आ रही हैं। वहीं प्रदेश में भी फिल्म दिलवाले का विरोध बदस्तूर जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर जयपुर की, जहां पर फिल्म दिलवाले का विरोध क्रिस्टल मॉल के पास में किया गया। दूसरी तस्वीर जोधपुर की है, जहां पर शिवसेना ने बायोस्कोप हॉल के बाहर में दिलवाले फिल्म का जमकर विरोध किया। तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद यहां पर रहा। तीसरी तस्वीर आप जो उदयपुर की देख पा रहे हैं, यहां पर दिलवाले का जमकर विरोध किया गया। तो फिल्म दिलवाले आज सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है, इसके बाद में देश भर में विरोध की खबरें आ रही हैं। वहीं प्रदेश में भी फिल्म दिलवाले का विरोध बदस्तूर जारी है। जयपुर की बात करें तो दिलवाले फिल्म का विरोध क्रिस्टल पाम मॉल के पास में किया गया और जमकर इसका विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। पुलिस बल यहां पर तैनात रहा। वहीं जोधपुर में भी फिल्म का विरोध देखने को मिला। उदयपुर में भी जमकर विरोध हुआ इस फिल्म का। शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले के विरोध में आज उदयपुर में बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। अशोका सिनेमा के बाहर ये प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि पुलिस को बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करना पड़ा। अशोका सिनेमा के बाहर लगे फिल्म के पोस्टर को फाड़ दिया गया। वहीं सिनेमा के बाहर जमकर तोड़फोड़ की गई। इस दौरान माहौल जमाता देख मौके पर पहले से मौजूद भारी पुलिस बल ने कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ दिया। इस दौरान कुछ बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। तो फिल्म का ये विरोध है जो चारों तरफ देखने को मिल रहा है। और आज रिलीज हुई शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले का राजधानी जयपुर में भी विरोध हुआ। जन समस्या निवारण मंच के लोगों ने क्रिस्टल पॉम मॉल के बाहर सिनेमा का विरोध किया, फिल्म का विरोध किया। शाहरुख खान के खिलाफ जमकर यहां पर नारेबाजी की गई। जन समस्या निवारण मंच के अध्यक्ष सूरज सोनी ने कहा कि जिस तरह शाहरुख खान को देश में इतना सम्मान मिला, वो असहिष्णुता पर बयान देकर उनके प्रेम का अपमान कर रहे हैं। तो फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के असहिष्णुता वाले बयान के चलते अब शाहरुख की फिल्मों का विरोध शुरू हो गया है। जोधपुर में शिव सैनिकों ने फिल्म दिलवाले का जमकर विरोध किया, जिसके बाद एहतियातन फिल्म हॉल के बाहर पुलिस जाब्ता भारी संख्या में तैनात करना पड़ गया। शिव सैनिकों ने शास्त्री नगर स्थित फिल्म हॉल बायोस्कोप के बाहर जमकर प्रदर्शन किया, चेतावनी दी।
कि वो इस फिल्म को चलने नहीं देंगे। शिव सैनिकों का कहना है कि जब तक शाहरुख खान सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगेंगे तब तक फिल्म चलने नहीं दी जाएगी। तो फिल्म दिलवाले का विरोध सिर्फ राजस्थान में ही हो ऐसा नहीं है, यह विरोध जोर पकड़ता जा रहा है और दिल्ली में हिंदू सेना ने फिल्म दिलवाले के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस बाबत हिंदू सेना ने विष्णु गुप्ता ने कहा कि शाहरुख खान का असहिष्णुता का बयान देशद्रोह जैसा है और उन्हें इस मुद्दे पर देश से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि अगर वो माफी नहीं मांगते तो उनकी फिल्म का विरोध जारी रहेगा। ये आप देख पा रहे हैं दिल्ली की तस्वीरें जहां पर शाहरुख की फिल्म दिलवाले का विरोध है और ये कहा गया कि जब तक सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगी जाएगी तब तक ये विरोध जारी रखा जाएगा। और ये चौतरफा विरोध है पूरे देश में शाहरुख खान के खिलाफ, ये गुस्सा है। आज जो शाहरुख खान ने असहिष्णुता वाला जो बयान दिया था वो बयान एकदम देशद्रोही वाला बयान था जिस चीज का समर्थन कर रहे हो। वैसे ही ये फिल्मों के माध्यम से पैसा यहाँ कमाते हैं और पाकिस्तान को डोनेट करते हैं और जिहादी ताकतों को और बल मिलता है। इसीलिए आज पूरे देश में हिंदू संगठन और हिंदू सेना 5 राज्यों में प्रोटेस्ट कर रही है। हमारी मांग है कि शाहरुख खान ने जो बयान दिया है उस बयान पे शाहरुख खान माफी मांगते हुए कहे कि इस देश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है। वहीं आपको ये बता दें कि फिल्म दिलवाले के विरोध के आसार को देखते हुए दिलवाले के नायक और बॉलीवुड के किंग खान अपने इंटॉलरेंस के बयान से मुकरते हुए नजर आए और उन्होंने जी मीडिया से खास बातचीत करते हुए कहा कि सभी लोगों को फिल्म देखने जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हमें भारतीय होने का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, साथ ही जिन्हें नहीं जाना न जाएं। विनम्रता से मैं यही कहूंगा कि अगर आपको ऐसा लगता है तो फिल्म ना देखिए। ऐसे में अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि फिल्म ना देखी जाए तो शाहरुख उनको क्या कहेंगे? कोई पॉलिटिकल आउटफिट हो कोई भी, मतलब आप उनको क्या कहेंगे? मैं बहुत विनम्रता और ह्यूमिलिटी से कहूंगा मत देखें। अगर दिल में नहीं है कोई बात तो प्लीज वो ना करें। मेरी फिल्मों का मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपके, मैं जो प्रमोशन भी करता हूं इसलिए नहीं है कि मैं आपके आंग पे आकर आपको बोलूं कि देखो देखो देखो, आपकी गर्दन दबा के छाती पे चढ़ के बोलूं देखें। दिल में आए तो देखें, दिल में ना आए तो ना देखें। पॉलिटिकली जो आप कह रही हैं ये सब बातें बड़ी ओछी और छोटी हैं, इनमें ना कोई सच्चाई है ना अच्छाई है। और ये कहने से मैं हो सकता है उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज को और भी बुरा मनवा दूं इस वक्त और वो और चढ़कर बोलेंगे। लेकिन जब ये सवाल उठते हैं पेट्रियोटिज्म पे एक्स वाई जी पे, ये बहुत छोटी बातें यार। मैं अब यहाँ पर बैठ के असहिष्णुता पे, हाँ, और इस उम्र में आके इस मुकाम पर पहुंचकर मैं आकर अपनी इंडियननेस का किसी को प्रणाम दूं तो मुझे खुद ही बहुत शर्मिंदगी होती है। और मुझे मालूम है मेरे जो देशवासी हैं हम सब जो हैं हम इतना छोटा ओछा और घटिया सोचते ही नहीं है। सब जाएंगे, फिल्म है, एंटरटेनमेंट है। तो शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले का विरोध जगह जगह हो रहा है। भोपाल से लेकर जबलपुर तक, इंदौर से रतलाम तक लोगों ने दिलवाले के खिलाफ प्रदर्शन किया। भोपाल में सिनेमाघरों के पास प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। वहीं जबलपुर में लोगों ने कई सिनेमाघरों के पोस्टर फाड़ दिए। वहीं इंदौर में एक मॉल में लोगों ने प्रदर्शन किया, पुलिस ने लाठियां बरसाईं। रतलाम में भी दिलवाले के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। दरअसल शाहरुख खान के असहिष्णुता के बयान पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हालांकि 2 दिन पहले शाहरुख खान ने अपने बयान पर माफी मांग ली थी। तो जबलपुर में फिल्म दिलवाले का विरोध जारी है। हिंदुवादी संगठन फिल्म दिलवाले का विरोध कर रहे हैं। समदड़िया मॉल में विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं ने फिल्म का पोस्टर जलाया। जबलपुर में 2 थिएटर्स में फिल्म का पहला शो रद्द भी करना पड़ा। इंदौर में फिल्म दिलवाले का विरोध जारी है। यहां पर लोग फूल लेकर फिल्म का विरोध करने आए थे लेकिन पुलिस ने इन पर जमकर लाठियां भांजी। कर रहे
वहीं रतलाम में भी फिल्म दिलवाले का हिंदुवादी संगठनों ने विरोध किया। शहर के गायत्री सिनेमा के बाहर लोगों ने विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद में सिनेमा हॉल के मालिक ने फिल्म का पोस्टर तो हटा लिया लेकिन फिल्म का शो चलता रहा। गायत्री सिनेमा समेत शहर के दूसरे सिनेमा हॉल्स के बाहर भी प्रदर्शन चलता रहा, जिसके बाद सिनेमा हॉल के बाहर सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल तैनात कर दिया गया। विरोध के चलते फिल्म देखने वालों की भी कमी देखी जा रही। भोपाल में फिल्म दिलवाले के विरोध के मामले सामने आए, जिसके बाद में यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। भोपाल में सिनेमा घरों के पास में प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई। पुलिस का साफ कहना है कि बिना इजाजत किसी को प्रदर्शन नहीं करने दिया जाएगा। तो ये तो था दिलवाले का विरोध, लेकिन दूसरी तरफ बाजीराव मस्तानी का विरोध भी जारी है। बीजेपी के विरोध की वजह से पुणे के सिटी प्राइड थिएटर में फिल्म बाजीराव मस्तानी के 3 शो रद्द करने पड़े। आज थिएटर में सुबह 8 बजे फिल्म का पहला शो दिखाया जाना था, लेकिन बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने थिएटर के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। बीजेपी का कहना है कि फिल्म में पेशवाओं के इतिहास से छेड़छाड़ की गई है और तथ्यों को तोड़ मरोड़कर पेश किया गया है। बीजेपी का कहना है कि मराठा इतिहास में बाजीराव की भूमिका एक देवता की तरह है, लेकिन फिल्म में कुछ डायलॉग ऐसे हैं जिनसे बाजीराव की गरिमा को ठेस पहुंची। भाई बाजीराव मस्तानी के विवाद पर यह पूरा मामला है क्या? मामले पर जी मीडिया संवाददाता अश्विनी पवार की रिपोर्ट देखिए। बाजीराव मस्तानी सिनेमा आज पूरे भारत भर में रिलीज हो रहा है और पूना में इस सिनेमा को पहले से ही विरोध जताया जा रहा था, लेकिन आज जो है वो बीजेपी इस सिनेमा को बंद होने के लिए आंदोलन कर रही है और यहाँ पे कोथरूड सिटी प्राइड में आज इस सिनेमा के 3 शोज जो है वो कैंसिल करवा दिए गए हैं। आप देख सकते हैं पुलिस की यहाँ पे सिक्योरिटी है ताकि यहाँ पे कोई अनुचित बात ना हो, और आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे पोस्टर जो है वो बाजीराव मस्तानी के इस व्यवस्थापन की ओर से हटाए गए हैं। यहाँ के आज के 3 शोज जो हाउसफुल थे वो रद्द किए गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो लोग आए हैं उनकी आज उनमें एक नाराजगी दिखाई दे रही कि एक शो जो है वो रद्द हुए, ये शो वो रद्द हुआ है। आपको आपका क्या कहना है? ये विरोध होना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें ऐसा कोई इशू है नहीं। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, अगर जब हेट स्टोरी 3 के लिए कोई विरोध नहीं किया और यहाँ पे कोई इशू भी नहीं क्रिएट हुआ तो बाजीराव मस्तानी ऐसी मूवी के लिए इतना बड़ा इशू क्रिएट करने से नॉनसेंस थिंग। आपका क्या कहना है? एक्चुअली ये निषेध जो चल रहा है वो तो होना नहीं चाहिए। ये मूवी बनाई है तो उस हिसाब से लोगों को देखनी चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इस मूवी में भी दिखाई गई है जो लोगों को नहीं भाई है मतलब, तो इसलिए वो सब चल रहा है। मूवी कैंसिल हुई नाराज हूँ, पर एटलास्ट इस पीछे में कलाकारों की मेहनत है। एक दो शॉट्स गलत हो सकते हैं इसमें, पर पूरा मूवी बैन नहीं करना चाहिए था। बाकी मूवीज़ में भी ऐसा कभी कभी हुआ है कि गानों में कुछ कुछ मतलब कॉन्ट्रोवर्सीज हुई है, तो गाने छोड़ के बाकी दिखाना चाहिए। एक तरफ लोगों में नाराजगी है कि ये शोज जो है कैंसिल हो रहे, लेकिन दूसरी तरफ ये जो 2 गाने हैं जो फिल्म में दिखाए गए हैं जिसमें बाजीराव को गलत तरीके से दिखाया गया है ऐसा बीजेपी वालों का कहना है। ये दोनों गाने काट कर ये मूवी फिर से एक बार रिलीज हो ऐसा इन लोगों का कहना है। वीडियो जर्नलिस्ट वीके कामले के साथ अश्विनी पवार, जी मीडिया, पुणे। स्थानीय बीजेपी सांसद का यह कहना है कि बाजीराव के इतिहास से छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है। बाजीराव पेशवे एक देशभक्त और एक जनता की श्रद्धा का स्थान है, इसलिए ये जो रिएक्शन आई है इसमें मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर रिएक्शन आई है तो कुछ उनको इतिहास मालूम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इतिहासकारों की सलाह लेना चाहिए और इतिहास उनसे सब समझ लेना चाहिए। बाजीराव जी के श्रद्धा स्थान जो है, बाजीराव जी हमारे, और जिनको लगता है कि ये गलत हुआ है उनको मालूम है ये इतिहास ऐसा ही है, मुझे लगता है ये समझ लेना चाहिए।